हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार के वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा 10% आर्थिक आरक्षण का नियम। जी हाँ दोस्तों, मोदी कैबिनेट की बुधवार को बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले किए गए। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी आर्थिक रूप से आरक्षण को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट के फैसले से राज्य के सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को न्याय मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने का फैसला भी लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कश्मीर घाटी में युवाओं के बीच बढ़ा बीजेपी का क्रेज, पार्टी ने 1 माह में 1.25 लाख नए सदस्य बनाए। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने घाटी में अपने सदस्यता अभियान के जरिए पकड़ बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। पार्टी ने जुलाई माह में 1.25 लाख नए कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़ा है। बीजेपी के कई बड़े नेता कश्मीर में डेरा जमाए हुए हैं, युवाओं को पार्टी से जोड़कर सदस्यता अभियान को गति प्रदान कर रहे हैं। उधर पार्टी में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो घाटी में विकास और शांति ला सकती है। पार्टी ने राज्य में 17 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। त्रिपुरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बीजेपी ने लगभग सभी सीटों पर जमा लिया कब्जा। जी हां दोस्तों, त्रिपुरा में सत्तारूढ़ बीजेपी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विपक्षी दलों का सफाया कर दिया है। राज्य की ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला पंचायत की लगभग सभी सीटों पर पार्टी ने कब्जा जमा लिया है। दोस्तों बीते शनिवार को 6,646 सीटों में से 994 सीटों पर पंचायत चुनाव कराए गए थे। पार्टी ने 85% सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने अपने एक बयान में बताया कि 994 सीटों में से अधिकांश सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। भारतीय मूल के दीपक राज बने ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले MLA, हाथ में भागवत गीता रख कर ली शपथ। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश में पैदा हुए दीपक राज गुप्ता ने ऑस्ट्रेलिया में विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली है। इस दौरान वे यह नहीं भूले कि वह एक हिंदू है, इसलिए अनुमति लेकर उन्होंने गीता हाथ में लेकर पद और गोपनीयता की शपथ ली। दीपक गुंगाहलीन विधानसभा सीट से चुने गए हैं। इससे पहले 2016 के चुनाव में भी वे इसी सीट से चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। दोस्तों दूसरे देश में भारतीयों की सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। केजरीवाल ने किया ऐलान, दुर्घटना पीड़ितों के इलाज को मना नहीं कर सकते निजी अस्पताल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के CM यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि अगर प्राइवेट अस्पताल वाले दुर्घटना पीड़ितों के इलाज में आनाकानी करते हैं तो ऐसे अस्पतालों पर दिल्ली सरकार सख्त एक्शन लेगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार अपनी योजनाओं के तहत दुर्घटना पीड़ितों के इलाज का पूरा खर्च उठा रही है और फरवरी 2018 से लेकर अप्रैल 2019 के बीच 2,501 लोगों का निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज हुआ है। दोस्तों सचिवालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की सीमा के अंदर अगर कोई एक्सीडेंट होता है या कोई एसिड अटैक होता है या कोई बर्न इंजरी होती है तो उसको तुरंत इलाज कराना बेहद जरूरी होता है। मेडिकल क्षेत्र में कहा गया है कि पहले 1 घंटे में अगर उसको मेडिकल की सुविधा मिल जाए तो दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की जान बचने के आसार काफी ज्यादा रहते हैं। दोस्तों अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, मेरे हिसाब से यह ऐलान PM मोदी द्वारा पूरे देश के लिए होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियों को दी बड़ी राहत, सस्ती हुई बिजली की दरें। जी हां दोस्तों, राजधानी दिल्ली में बिजली की दरों में बदलाव किया गया है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन DERC ने बिजली रेट में कटौती का ऐलान किया है।
जानकारी के मुताबिक 15 किलोवाट तक के फिक्स्ड चार्ज में कमी की गई है। 0 से 2 किलोवाट फिक्स चार्ज में 125 रुपए प्रति महीना से घटाकर 20 रुपए प्रति महीना कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। डिजिटल टैक्स लगाने की तैयारी में है सरकार, गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों पर लगेगा टैक्स। जी हाँ दोस्तों, सरकार गूगल, फेसबुक, ट्विटर जैसी डिजिटल कंपनियों पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है। सरकार इसके लिए 20 करोड़ रुपए की सालाना आमदनी और 5 लाख से ऊपर तक के सब्सक्राइबर्स को टैक्स वसूली का पैमाना बना सकती है। यानी कि दोस्तों जल्द ही फेसबुक, गूगल जैसी प्राइवेट कंपनियों पर भी टैक्स वसूला जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है मौसम समाचार के रूप में। जी हाँ दोस्तों, आज के मौसम समाचार जानने उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी प्यार भरी विनती, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। यदि दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दें, क्योंकि दोस्तों इसी से हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई है या नहीं, और दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल भी होता है। तो दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में भारी बारिश का हाई अलर्ट, सौराष्ट्र में त्राहिमाम त्राहिमाम। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने हेवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। मध्य महाराष्ट्र, कोकण, गोवा और गुजरात रीजन के कुछ इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण राजस्थान में भी भारी बारिश हो सकती है। विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR के इलाकों में बृहस्पतिवार से मौसम के बदलने के आसार हैं, जिससे अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने सब हिमालयन, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र व कच्छ, तेलंगाना एवं तटीय कर्नाटक में भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने उत्तर, मध्य व दक्षिण पश्चिमी अरब सागर और गुजरात के तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर की गति से हवाएं चलने का अनुमान जताया है। इसके साथ ही मछुआरों को अगले कुछ दिनों तक समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर बात करें बिहार की, तो दोस्तों उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति से लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। पूर्वी चंपारण, सीतामंडी और दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के कई गांव अब भी पानी से घिरे हैं। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड पर तीसरे दिन भी ट्रेनों का परिचालन ठप रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इंडिगो लेकर आई शानदार ऑफर, 999 रुपए में करें प्लेन की यात्रा। जी हाँ दोस्तों, इंडिगो एयरलाइंस कंपनी ने 13 साल पूरे होने पर स्पेशल ऑफर पेश किया है। स्पेशल ऑफर के तहत डोमेस्टिक फ्लाइट्स का किराया 999 रुपए से और इंटरनेशनल फ्लाइट का किराया 3499 रुपए से शुरू हो रहा है। दोस्तों यह ऑफर 31 जुलाई से शुरू होकर 4 अगस्त तक रहेगा। ऑफर के दौरान बुक किए गए टिकट पर 15 अगस्त 2019 से 28 मार्च 2020 के बीच यात्रा की जा सकती है। तो दोस्तों अगर आप भी करना चाहते हैं प्लेन की यात्रा तो जल्दी से कर लीजिए, आपके पास ऑफर है, 1000 रुपए से भी कम कीमत में आप प्लेन का सफर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। 6 दिन की गिरावट के बाद पेट्रोल स्थिर, डीजल में नहीं हुआ कोई बदलाव। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल की कीमत में चल रही उठापटक के बीच पेट्रोल की कीमत में बुधवार को स्थिरता रही। इससे पहले पेट्रोल में लगातार 6 दिन तक गिरावट दर्ज की गई थी। 2 दिन की गिरावट के बाद डीजल के भाव भी बुधवार को स्थिर रहे। दोस्तों दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत की बात की जाए तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत दिल्ली में 72.86 रुपए प्रति लीटर रही, जबकि 1 लीटर डीजल की कीमत 66 रुपए प्रति लीटर रही है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन अब पड़ेगा और महंगा, चालान की रकम में हुआ हजारों का इजाफा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं या फिर शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो आपको सावधान होने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार बहुत ही जल्द मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 को कानून की शक्ल देने जा रही है। मोदी सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 भी पेश किया है। लोकसभा के पहले ही यह बिल पारित हो चुका है। दोस्तों केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिल को राज्यसभा में पेश किया। देश में ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन हो इसके लिए इस बिल की जरूरत पर केंद्रीय मंत्री ने जोर दिया। राज्यसभा में बिल को पेश करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि देश में हर साल
लगभग 1.5 लाख लोगों की सड़क हादसों में मौत हो जाती है। ट्रैफिक नियमों के बावजूद ज्यादातर लोग इसका पालन नहीं करते हैं। इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में बदलाव कर मोटर व्हीकल एक्ट संशोधन बिल 2019 को लोकसभा में पास कर अब राज्यसभा में पेश किया गया है। इसके तहत दोस्तों जुर्मानों की राशि को लगभग 5 गुना से लेकर 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। अब विज्ञापनों में झूठे दावे करने पर जेल जाएंगे सेलिब्रिटी। मोदी सरकार का आया नया बिल। जी हां दोस्तों, अब झूठे विज्ञापनों का वादा करने या फिर गलत जानकारी देने पर कंपनियां, सर्विस प्रोवाइडर्स और तक की उस कंपनी को एंड्रोस करने वाले सेलिब्रिटीज को भी सजा हो सकती है। इन चीजों का दोषी पाए जाने पर जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। दरअसल दोस्तों मंगलवार को लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण बिल 2019 पास कर दिया गया। इस बिल में प्रावधान रखा गया कि कोई भी विज्ञापन, चाहे वो प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, आउटडोर, ई-कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग या टेलीमार्केटिंग किसी भी माध्यम से किया गया हो, अगर इसमें गलत जानकारी दी जाएगी तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आपको सलमान खान बोले, शाहरुख खान बोले या फिर बोले अमिताभ बच्चन, अगर वह प्रोडक्ट सही नहीं है तो इन बड़े बड़े सितारों के ऊपर भी अब सरकार कार्रवाई कर सकती है। दोस्तों आपको यह नया नियम कैसा लगता है, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं अगली बड़ी खबर का। गोल्ड प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव में आई तेजी। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक बाजार में कीमतें स्थिर रहने के बावजूद हाजिर बाजार में जौहरियों की लिवाली बढ़ने से दिल्ली सराफा बाजार में सोने में 160 रुपए की तेजी देखी गई है। सोना 35,880 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों दूसरी ओर औद्योगिक इकाइयों और सिक्का ढलाओं का उठाव बढ़ने से चांदी भी 150 रुपए की चमक के साथ 42,050 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। रोहित शर्मा का बड़ा बयान, कहा सिर्फ टीम के लिए नहीं बल्कि देश के लिए मैदान पर उतरता हूं। जी हां दोस्तों, वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए टीम इंडिया अमेरिका पहुंच गई है, जहां उसे पहला मैच 3 अगस्त को खेलना है। इस मैच से पहले टीम इंडिया के उपकप्तान रोहित शर्मा ने एक बड़ी बात कही है। रोहित शर्मा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट डालते हुए लिखा है कि मैं सिर्फ टीम के लिए नहीं खेलता, मैं खेलता हूँ अपने देश के लिए। दोस्तों एक वर्ल्ड कप में 5 शतक ठोक कर रिकॉर्ड बनाने वाले रोहित शर्मा का ये बयान बेहद अहम माना जा रहा है। हाल ही में मीडिया में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच मतभेद की खबरें छाई हुई थी। रोहित शर्मा ने इन खबरों के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ी है। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़ते वायु प्रदूषण को किस तरह से कम किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, आपके मन में कौन कौन से सुझाव हैं वायु प्रदूषण को कम करने के लिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सही जवाब देने वाले चुने हुए भाग्यशाली विजेता को हमारे YouTube चैनल IFC नॉलेज की ओर से दिया जाएगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट, जिसके अंदर की मोबाइल फोन, इंटरनेट, टूल, गैजेट्स कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।